आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फीमेल लिबरेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी, तो फ्रेंड उससे फर्दर आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, यानी फीमेल लिबरेटरी सिस्टम के बारे में जरूर जानें। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम जो हमारी ओवरी होती है, जो हमारा स्पर्म यहाँ से एंटर कर रहा था, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कि अब हम बात करें कि जो हमारा स्पर्म है उसकी टेंडेंसी किधर होगी, वो राइट हैंड साइड में ट्रेवल करेगा या लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेवल करेगा। तो मैंने बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि आप वहाँ से पता लगा पाओगे कि जो हम बात कर रहे हैं आज, वो कैसे कैसे ट्रेवल करेगा हमारा जो स्पर्म है, कैसे बात करेगा और कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारी का फॉर्मेशन होता है, कैसे हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है ये हमारी किसमें, एक लेडीज़ में। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या है, पूरी साइकिल का डायग्राम दिया है। और फ्रेंड्स, ये है हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे यह का डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बात की थी कि जो हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो हमारा स्पर्म होता है वो क्या वजाइना के थ्रू एंटर करता है, हमारा फीमेल बॉडी में एंटर करता है। तो फ्रेंड्स, जब स्पर्म हमारा एंटर कर जाएगा, यहाँ से मैंने बात की थी कि वो यहाँ से ट्रेवल होकर के कहाँ पहुँचेगा, हमारा यूट्रस तक पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, यूट्रस तक पहुँचने से के बाद हमने बात की थी कि क्या वो कैसे ट्रेवल करने वाला है, कि इसको राइट हैंड साइड जाना है या उसको लेफ्ट हैंड साइड जाना है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो फ्रेंड्स, हमने उस वीडियो में बात की थी कि वो कितना लेफ्ट हैंड साइड उसको माना है कि वो ट्रेवल करेगा। तो फ्रेंड्स, आज बात करें कि लेफ्ट हैंड साइड की ट्रेवल क्यों कर रहा था वो, या राइट हैंड साइड क्यों करना चाहिए उसको, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें क्या करते हैं हम, किस तरह स्टार्ट होती है वो बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है लेडीज़ के अंदर हमारी, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें 28 डेज़ की साइकिल होती है हमारी। 28 डेज़ को कैसे कैसे डिवाइड किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, जो हमारे 5 फर्स्ट डेज होती है, यानी 5 डेज फर्स्ट टू डेज 5 तक जो स्टार्ट होते हैं उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो जिसमें ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है उसको क्या है, उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन के बाद जो हमारे 6 डेज तक मेंस्ट्रुएशन होती है, उसके बाद जो 7 डेज हमारा स्टार्ट होता है, अब 7 डेज टू कहाँ तक, 7 डेज टू 11 डेज तक, 7 डेज टू 11 डेज जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद जो नेक्स्ट डेज होती हैं, 7 टू 11 डेज होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें हमारा जो एग होता है वो बनना स्टार्ट होता है, मतलब एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है हमारी ओवरी में। तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम फोलिकुलर फेज कहते हैं। फोलिकुलर फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो FSH यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, अब हमारा जो एग है वो बनना स्टार्ट होगा हमारी ओवरी में। कहाँ पर, ओवरी में एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारी, किसमें, ओवरी में। तो फ्रेंड्स, जब फोलिकुलर बन करके स्टार्ट हो चुका है हमका, बन करके पूरा तैयार हो चुका है, कब, 7 टू 11 डेज में। अब फिर उसके बाद हमारे डेज 12 से स्टार्ट होता है, अब बन करके क्या, हमारा जो एग है वो बन करके तैयार हो गया है हमारी ओवरी में। तो फ्रेंड्स, अब डेज 12 टू डेज 16 तक क्या होता है, हमारा ओवुलेशन फेज होता है। तो फ्रेंड्स, डेज 14 टू डेज 12 टू जो 16 होता है, अब हमारा क्या होगा, एग जब हमके बन के तैयार हो गया है हमारी ओवरी में, अब वो क्या, यहाँ से हमारी ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद अब क्या होगा, ओवुलेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ओवुलेशन फेज होता है उसमें क्या होता है, जब यहाँ पे आ चुका होता है वो क्या, तो डेज अब यहाँ से 11 टू कुछ डेज उसको क्या लगेंगे, यहाँ से ट्रेवल करने में लगेंगे, जैसे हम यहाँ ओवरी से ट्रेवल करेगा कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक, यानी ओविडक्ट ट्यूब तक आएगा। तो उसको वहाँ तक आने में अब क्या होगा, उसको कुछ डेज लगेंगे, जो डेज उसके कम वहाँ पे लगे हैं उनको यहाँ से, मतलब 12 टू 15 डेज तक उसके यहाँ पर लगेंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये 3 डेज होते हैं, 3-4 डेज होते हैं यहाँ पर हमारे, 16 टू 19 जो है ये हमारे डेज होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा चांस रहते हैं हमारे प्रेगनेंसी अचीव होने के। तो फ्रेंड्स, जो ये होता है इसमें क्या होता है, इसमें प्रेगनेंसी अचीव होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर जो ओवुलेशन होता है वो क्या होता है, वो पीक पर होता है, और इस कंडीशन में जो लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट हो सकती है।
तो फ्रेंड्स अब इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ से ये हमारा 16 डेज टू 19 डेज के बाद कंप्लीट हो चुका होता है, अब जो हमारा एग होता है या अगर उसको कि स्पर्म के फ्यूजन हो चुका है, अगर उसका स्पर्म के साथ क्या है फ्यूजन हो चुका है, तो उसके बाद वो क्या है अपने नेक्स्ट फेज में जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं ल्यूटियल फेज में जाएंगे। अगर फ्यूजन हो चुका है उसका तो वो क्या होगा, वो अब क्या हुआ जायगोट बनना, जायगोट बनकर के तैयार हो गया होगा। अगर वो फैलोपियन ट्यूब में जब आया था, अगर उसका फ्यूजन हो गया है किसका स्पर्म के साथ, स्पर्म के साथ अगर फ्यूजन हो गया है तो जायगोट का स्टार्ट होगा, उसमें वो जायगोट बन जाएगा और कहाँ यूट्रस की ओर चलेगा। अब कहाँ चलेगा यूट्रस की ओर आएगा। तो ये तो बात हो गई तब, अगर उसको किसी स्पर्म के साथ फ्यूजन हो गया ये बात तब कही होगी। तो फिर अगर उसको क्या कोई स्पर्म नहीं मिला, उसने फ्यूजन नहीं किया, तो उसके बाद क्या होगा फ्यूजन ये फेज उसका छूट जाएगा। उसके बाद क्या होगा फिर ये 17 to 28 डेज तक ये क्या होता है, ये ल्यूटियल फेज होता है हमारा फ्रेंड्स। क्या होता है ल्यूटियल फेज होता है फ्रेंड। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ये फेज हमारा ओवुलेशन के बाद स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होती है, जो यूट्रस होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। जब थिक हो जाएगी वो कितने डेज में 17 to 28 डेज में क्या होगी, वो जो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग हो जाएगी वो क्या होगी, वो थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो जब थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, अब जब जैसे जैसे आकर के वो 28 डेज में रुक जाएगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगी, अब मेस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी। क्या होगी मेस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसमें क्या कहा, अब जब ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होगी तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग थी, जो थिक हुई थी, जो लाइनिंग थिक हुई थी, अब उसका क्या उसका रप्चर स्टार्ट होगा और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। तो फ्रेंड्स ये केस होता है हमारे मेस्ट्रुएशन साइकिल में। तो फ्रेंड्स ये जो हमने बात की थी कि वो अब राइट हैंड जाएगा या जो स्पर्म हमारा राइट हैंड ट्रेवल करेगा या लेफ्ट हैंड ट्रेवल करेगा, ये बात हमने इसलिए की थी कि जो हमारी क्या होता है ये मंथली का अल्टरनेटिव डेज में होती है। कि मतलब अगर इस मंथ हमने मान लिया कि इस मंथ क्या है, इस मंथ वो लेफ्ट हैंड साइड की जो ओवरी है वहाँ से आई, कहाँ से आई लेफ्ट हैंड की जो ओवरी है वहाँ से स्टार्ट हुई हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहाँ से स्टार्ट हुई लेफ्ट हैंड की। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट मंथ में जो हमारी क्या होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी वो कौन सी, वो राइट हैंड ओवरी जो है, राइट हैंड साइड की जो ओवरी होगी उससे स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है अल्टरनेटिव्स होती है, एक के बाद एक होती है। जैसे इस महीने लेफ्ट से आई तो अगले महीने राइट से आएगी। तो ये फेज होता है हमारा किसका होता है, ये हमारा होता है मेस्ट्रुएशन साइकिल का। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये क्या होता है, अगर राइट हैंड साइड की ओवरी में होता है तो ये ऐसे फर्दर यहाँ पे आगे बढ़ेगा और यहाँ पे ओवरी में आएगा और स्पर्म की बार, अब की बार स्पर्म का जो टेंडेंसी होगी वो कौन सी होगी, वो राइट हैंड साइड में जाने की होगी। अब वहाँ पे जाकर वो फ्यूजन करेगा और ये सब प्रोसेस सिमिलर होगी। तो फ्रेंड्स ये बात की हमने किसके बारे में, मेस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर का स्क्रीनशॉट। If you have any problem, you can comment. आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।